अच्छा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बिष्ट और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कमर के दर्द के बारे में। दोस्तों, कमर का दर्द एक ऐसी समस्या है जो लगभग सभी लोगों को अपने जीवन काल में कभी ना कभी महसूस होती रही होगी या होती होगी। तो इसके बारे में मैं पहले तो कहना चाहूँगा कि ये दो कैटेगरी मोटे तौर पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक एक्यूट पेन और एक क्रॉनिक पेन। एक्यूट पेन हम तब लेवल करते हैं जबकि आपका कमर का दर्द 3 महीने से कम का होता है। अगर ये 3 महीने से अधिक हो जाता है तो ये क्रोनिक पेन कहलाता है मेडिकल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, कमर का दर्द हम उसे कहते हैं जो रीढ़ की हड्डी में निचले हिस्से में होता हुआ कमर में या कमर की साइड्स में, हिप्स के पीछे या नीचे पैरों की तरफ हो जाता है, जब इसको हम कमर दर्द के साथ में सियाटिका भी लेबल कर देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कमर का दर्द जैसा लगने वाला आपका पेट के अंदरूनी अंगों से उत्पन्न हुआ दर्द भी हो सकता है। यहां पर इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है क्योंकि यहां पर आपकी स्पेशलिटी बदल जाएगी। अगर पेट से उत्पन्न होने वाला दर्द है तो आपको दूसरे डॉक्टर को दिखाना होगा, जल्दी दिखाना होगा। कमर का दर्द होगा तो आपको दूसरे डॉक्टर की सलाह लेनी होगी। तो आमतौर पर, मोटे तौर पर मैं आपके लिए रिमाइंडर के लिए बता दूं कि पेट के अंदरूनी अंगों से उत्पन्न होने वाले दर्द में अक्सर ऐंठन या मरोड़ के साथ में दर्द होता है। इसके साथ में उल्टी आने की समस्या भी हो सकती है, बुखार भी आ सकता है, पेशाब में जलन हो सकती है या लेडीज में पेट के निचले हिस्से में भारीपन भी महसूस हो सकता है। तो अगर आपको ये लक्षण हो तो आप साथ में गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन की भी सलाह ले सकते हैं या फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। और अगर ये समस्याएं नहीं है तो आप समझें कि ये कमर का दर्द है, कमर के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कमर का दर्द किन पार्ट से होता है। तो इसमें मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है जो हमारी रीढ़ की हड्डियों की छोटी छोटी हड्डियों के द्वारा बनी हुई होती है, जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। तो इन वर्टिब्रीज में डिफेक्ट आने की वजह से या इनकी नोक बढ़ने की वजह से या हड्डी नुकीली होने की वजह से जो नसों में दबाव आता है, एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा ये दोस्तों, ये हड्डियाँ आपस में ज्वाइंट्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं जिन्हें फेसेट ज्वाइंट्स कहते हैं। तो ये फेसेट ज्वाइंट्स से भी उत्पन्न हो सकता है। और इसके बाद तीसरा कारण है जो इन हड्डियों के बीच में गद्दियां होती हैं, जिसको कि हम गद्दियां या डिस्क कहते हैं। ये डिस्क कई बार कुशन का काम करती है वैसे तो ये, ताकि आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन कई बार डीजनरेशन की वजह से, चोट की वजह से या और अन्य वजह से या भारी वजन की वजह से ये डिस्क खिसक जाती है और नसों को दबाने लगती है। इसके अलावा नर्व्स की अपनी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट बैड पोस्चरिंग या ओवरवेट की वजह से आपकी मसल्स में इम्बैलेंस आ सकता है या मोच आ सकती है। तो ये मुख्य वजह हैं जो कमर में दर्द को पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, इसमें मैं आप मुख्य कारण बताना चाहूँगा। ये तो जगह थी जिन वजह से कमर दर्द हो सकता है, अब इनके क्या कारण हो सकते हैं। तो पहले तो 2 कॉमन कारण बताता हूँ कि जैसे एक तो आपको लंबे समय तक, एक जैसे स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं या कोई IT प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत लंबे समय तक घंटों बैठ के पढ़ाई करते हैं या काम करते हैं, उनमें ये समस्या बहुत कॉमन है क्योंकि वो पोस्चर का ध्यान नहीं देते हैं और लगातार लंबे समय तक बैठे रहते हैं। इससे मांसपेशियों में थकावट आती है और बाद में नसों में दबाव, खिंचाव, ये सब होने लगता है। दूसरा जो कॉमन कारण है वो फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल मतलब नेचुरल, जैसे कि महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान 5वें 6वें महीने में करीब 12 से 15 kg वेट बढ़ जाता है बच्चे की वजह से। तो उनमें जो है, कहीं अगर शरीर कमजोर हो, पोषक तत्व ठीक ना हो, मसल की टोन ठीक ना हो, तो गद्दी खिसकने का या नस दबने का खतरा रहता है। और ये खतरा डिलीवरी के टाइम पर और बढ़ जाता है क्योंकि एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन, जो कि नॉर्मली बच्चे के बर्थ फेसेस को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन कई बार ये लिगामेंट्स, कमर के लिगामेंट्स को ढीला कर देता है, जिसकी वजह से गद्दी खिसक सकती है और आपको कमर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये 2 कॉमन कारण थे। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा जो कॉमन कारण है वो गलत एंगल पे बैठने से, झुकने से ये काम हो जाता है या भारी सामान उठाने से ये कमर दर्द हो जाता है। जैसे कि आपने, सपोज मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपने दुकान का शटर उठाया गलत एंगल पे तो अचानक आपकी कमर में दर्द होने लगा, या आपने घर में कोई फर्नीचर खिसकाया, या आपने कोई गाड़ी कहीं कीचड़ में फंसी हुई है उसे उठाने की कोशिश करी, तो ये वजह भी हो सकती है। इसके अलावा आपका ऐसा जॉब हो कि आप बहुत रोजाना 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्ते में यात्रा करते हो, वो भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा आपका बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है और आप बहुत ओवरवेट हैं, तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे समय बीतने पे कमर की हड्डियों पे दबाव पड़ता है और नसें भी दबने लगती हैं। और अन्य कारणों में, जैसे अधिक उम्र होने पर, जैसे
50 क्रॉस होने के बाद जो है 45-50 क्रॉस होने के बाद आपकी हड्डियों में घिसाव आने लगता है और उस घिसाव से गद्दियों का कवर जो है फट जाता है और गद्दियाँ बाहर को बल्ज आउट कर जाती हैं, जिससे भी नसों में दबाव आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार सिंपल मोच आ जाती है एक ही पोस्चर में बैठे बैठे, या कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या कहीं से गिरने से चोट आ सकती है, ये कॉमन कारण है। इसके अलावा अन्य अनकॉमन कारण भी हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कई बार रीढ़ की हड्डी की टीबी की वजह से भी दिक्कत हो सकती है, कोई रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई बीमारी हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए या ट्यूमर हो जाए, ये भी कमर दर्द की वजह बन सकती है। तो दोस्तों इसमें वजह जो भी हो, अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कमर में दर्द एक्यूटली होता है, कि अब पहले कभी नहीं हुआ आज पहली बार हुआ, तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप चुपचाप सबसे पहले आराम करिए, क्योंकि बेड रेस्ट इसका सबसे इलाज का 70% हिस्सा बेड रेस्ट ही बनाता है। इसके अलावा आप सिकाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो भी आपके पास अवेलेबल पेन किलर्स हैं इमरजेंसी में उनको ले सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर 70% दर्द 2-3 दिन में चले जाते हैं। अगर ये दर्द 2-3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करते हैं तो फिर आपको अपने कंसल्टेंट यानी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो आपकी हिस्ट्री से, एग्जामिनेशन से, एक्सरे से, सीटी स्कैन से, एमआरआई से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये कमर दर्द क्यों हुआ, और अगर जब उनको एक बार कारण मिल जाएगा तो उस कारण का भी निवारण करने की कोशिश करेंगे। अब वो ट्रीटमेंट क्या देंगे दोस्तों, ट्रीटमेंट की फिक्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि एक तो आपको आपका डॉक्टर कहेगा कि आप जब तक आपको कमर में मांसपेशियां आपकी जकड़न कम नहीं हो जाती तब तक आप बेड रेस्ट लीजिए, सिकाई करते रहिए, फिजियोथेरेपी लीजिए, पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट लीजिए, नसों की ताकत की दवा लीजिए, कैल्शियम वगैरह का सेवन करिए और अपने पोस्चर को एडवर्स मत होने दीजिए, यानी कि आगे झुका हुआ पोस्चर नहीं होने दीजिए, भारी सामान मत उठाइए, झुक के काम मत करिए। जब आपको इन सब चीज़ों से कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा राहत मिल जाएगी तो आपको आपका फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर आपको एक्सरसाइजेज बता देंगे जिससे आपकी कमर की मांसपेशियाँ आगे चल के मजबूत होए और ये दर्द बार बार रिपीट आपकी लाइफ में ना होए। इसके अलावा अगर दोस्तों कोई कारण निकलता है सीटी स्कैन में एमआरआई स्कैन में तो उसका इलाज अलग से करना चाहिए। और एक भ्रांति में आपको और बताना चाहूँगा कि कई बार हमारे पास केसेज आते हैं कि साहब वो डिस्क इतनी ज़्यादा खिसक गई है कि वो पूरी नस को दबा दिया है और पूरे पैर में झंझनाहट या सुनपन या खिंचाव के लक्षण आ रहे हैं, इवन मरीज चल भी नहीं पा रहा है या पैर का हिस्सा कोई सुन्न होता जा रहा है। तो ऐसे केसेज में दोस्तों अगर बेड रेस्ट करने से दवा खाने से आपको 15 दिन के भीतर 20 दिन के भीतर आराम नहीं मिलता है बिल्कुल, तो आप इसमें सर्जरी कराने से बिल्कुल मत हिचकिए, क्योंकि आज की तारीख में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। पुराने ज़माने में जो कंसेप्ट था कि साहब अगर कमर का ऑपरेशन करा दिया तो पैरों की पावर ना चली जाए, सुन्न ना हो जाए, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। आजकल ऐसी टेक्निक आ गई कि एंडोस्कोप से हम आपकी सर्जरी करके आपको दूसरे तीसरे दिन से आपको मूवमेंट दे सकते हैं, इतना एडवांसमेंट हो गया है। तो अगर सर्जिकल इंडिकेशन है और आपको रेस्ट करने के बाद दवाइयां खाने के बाद आराम नहीं मिल रहा तो आप बेफिक्र होकर सर्जरी कराइए और अपनी इस परेशानी से मुक्ति पाइए। अब 2-3 बातें मैं इसके प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा कि एक सामान्य व्यक्ति को जो कि ऐसा क्या करे कि उसको कमर में दर्द ना हो, तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना पोस्चर करेक्ट पोस्चर रखें, लिखने का, पढ़ने का, बैठने का, उठने का, कोई जमीन से सामान उठाने का, और अपनी कैपेसिटी पहचाने, जितना आपको आदत नहीं है उतना भारी सामान आप उठाने की चेष्टा ना करें। और दूसरा ये कहूँगा कि आप अपने वेट के लिए बहुत कॉन्शियस रहिए, आपका बॉडी वेट हमेशा आपकी एज और आपकी हाइट के साथ में मैच करता हुआ होना चाहिए। जैसे जैसे आपका वेट आपकी इन मैचिंग को छोड़ेगा तो आपकी बीमारियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वो केवल रीढ़ की हड्डी की ही नहीं, घुटने की बीमारी भी लाएगा, हार्ट की बीमारी भी लाएगा और कई अन्य तरह की बीमारियां लाएगा और आपकी परफॉर्मेंस खराब करेगा। इसके अलावा आप एक्सरसाइज नियमित रूप से थोड़ा सा समय एक्सरसाइज को दें, 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को भी अगर आप देते हैं कमर की एक्सरसाइज के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो कमर की मांसपेशियों की टोन पैदा करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा अपनी डॉक्टर की हेल्प से, एडवाइस से आप अच्छी बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए साल में कुछ महीने कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करें, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल इंडोर होता जा रहा है, धूप का जो विटामिन डी है वो हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये सलाह के साथ में इसको लेते रहें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आप सब लोगों का सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।